देखो जब गुरु का साथ होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी होता है जिस आदमी के ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है। गुरु की ब्लेसिंग्स वो सुदर्शन चक्र की तरह आपके जिंदगी में आपको हर परेशानी से बचाती है, पूरी परिस्थिति को हटाकर आपको विजयी कराता है। कड़वाहट को गले से लगाओगे तो जीत जाओगे। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कोई ना कोई गुरु होता है इनका, कोई ना कोई गुरु होता है। किसी ना किसी से ये किसी न किसी को मान बैठते हैं कि यही जो ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो मुझसे करवाएगा, मैं निसंदेह करूंगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको विवेकानंद का। विश्व गुरु कहते हैं विवेकानंद। विवेकानंद से बड़ा विश्व गुरु दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। विवेकानंद को विश्व गुरु क्यों? उनके पास किस चीज की पावर थी? AK-47 लेके तो नहीं चलते थे हमेशा? चार बॉडीगार्ड रहता था हमेशा? ऐसा तो नहीं होता, अकेले चलते थे वो सिंपल सादा वो कपड़ा पहन के कोई, अरे एकदम आम आदमी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियों को थर्रा दिया था उस आदमी ने। डरते थे इसे, एक अकेले आदमी से डरते थे, एक अकेले आदमी से। अरे ये मुंह ना खोल दे गलती से, इसने मुंह खोल दिया तो बंटा धार कर देगा। इतनी पावर, किस चीज की पावर? ज्ञान की पावर, नॉलेज की पावर। आपसे अपने चार प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ले जा पा रही? अरे सर कोई ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग हो ही नहीं रही, कैसे हम सीखेंगे? जिस टाइम में ट्रेनिंग होती है हमारी जो ट्रेन होती है, हमें तो वहां जाना होता है, कैसे होगा सर? तुम्हारे से चार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, प्लान की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। वो आदमी ज्ञान का बादशाह बनकर दुनिया जूतने पर निकल पड़ा था, दुनिया डरती थी उससे, और चाहते हो पैसा बन जाए, 5-6-7 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना आ जाए, बट चवन्नी ना आए, जवनी ना आए। और गुरु के ऐसे भक्त थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, खून की उल्टियां किया करते थे। जब एक बार खून की उल्टी ऐसे ही कर रहे थे तो आसपास दूसरे जो उनके स्टूडेंट थे नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, बदबू आ रहा है, खून की उल्टी, बदबू, गंदगी, समझ रहे हो, नाक मुंह सिकोड़ रहे थे दूसरे स्टूडेंट। ये देख करके विवेकानंद को आया गुस्सा, मेरे गुरु कि खून की उल्टी देख करके नाक में सिकोड़ रहे हैं। गए जाकर के जिस परात में उल्टी कर रहे थे उस परात को उठा करके पी लिया। ये गुरु भक्ति। और आज के टाइम में अगर भैया गुरु जिसको मान के बैठे हो, अपलाइन ने 2 लाइन कड़वा अगर बोल दिया है, अपलाइन के पास शिकायत चली गई या किसी दूसरे अपलाइन के पास शिकायत चली गई, उनको हमने फोन किया था ना, हमें डांट दिया, अब हम क्या करें? सुसाइड कर लो, यही ऑप्शन है, गंगा जी में डूब मरो। गुरु गुरु बोलते हो और यही इज्जत है, एक बार डांट दिया तो मुंह फुला कर बैठ गए, नहीं हम काम ही छोड़ देंगे, अब हम दूसरी टीम में जा रहे हैं, अब हम दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, कहीं भी चले जाओ तुम्हारा बंटाधारी होना किस्मत में लिखा है, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा है ना। गुरु की इज्जत नहीं करनी आती, गुरु की एक बात नहीं सुनने में जिसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, वो क्या ही कर लेगा आदमी, क्या ही कर लेगा वो। गुरु पूर्णिमा पर सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालोगे गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मेरे गुरु, फोटो अपने गुरु के साथ सेल्फी लिया, वो फोटो डाल के दिल तरह से होता है। गुरु की इज्जत यहां से होती है, गुरु की इज्जत निस्वार्थ होता है। गुरु से आप सिर्फ एक ही अपेक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई अपेक्षा नहीं। गुरु से आप सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा कर सकते हो। अब उसके साथ गुरु की डांट आती है, गुरु की फटकार आती है, गुरु का मार आता है, सब सहना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हो कि नहीं? क्लास से बाहर निकाल देते थे उनको, छोटी जाति के थे, बेइज्जत, इतना कहां बेइज्जत नहीं सीखी सही उस आदमी ने, कहां बेइज्जत नहीं सीखी, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पता चलता था ये छोटी जाति के, बाहर निकले, बाहर बैठ करके कान लगा के सुनता था अंदर क्या पढ़ाई चल रही है, ऐसे पढ़ पढ़ करके भैया सब संविधान लिख दिया। और यहां अगर कोई कहे कि ट्रेनिंग में लेट क्यों आए, चलो बाहर निकलो, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, कंपनी छोड़ दूंगा मैं, टीम ही छोड़ दूंगा मैं, ऐसा कैसे बोलती है, तमीज है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? चैट पर मुझे लिख के बताओ, यस ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, या आप खुद ऐसे लोग रहे होंगे, तो मुझे जरा चैट पर यस लिख के बताओ, यस, बस ये लिख के बताओ, यस, यस में मैं समझ जाऊंगा आपकी भावना, यस लिख के बताओ मुझे जरा। महाभारत में जब अर्जुन को समझा रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण कि भाई ये सब करना है, ऐसे ऐसे करना है, अर्जुन तो फैले पड़े थे, अरे भी तो मेरे अपने हैं, मैं मार कैसे दूं इनको,
समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा, समझा रहे हैं, मान ही रहे, गीता के श्लोक पे श्लोक चल रहा है, श्लोक पे श्लोक चल रहा है, लास्ट में फिर भी फैल जा रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। कृष्ण ने बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकाले सुदर्शन चक्र अपना विकराल रूप, आज मैं ही खत्म कर देता हूं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं ही पूरा युद्ध खत्म कर देता हूं, सबको एक ही चक्र में खत्म कर देता हूं। गरमा गए अर्जुन पर, सुना दिया अर्जुन को, भरपूर सुना दिया। तो अर्जुन बोले भैया बस रुको रुको, मैं समझ गया, मैं करता हूं, मुझे करने दो, शांत शांत। तब शांत हुए। देखो जब गुरु का साथ होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी होता है, जिस आदमी के ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है। लोगों को लगता है अरे गुरु का मतलब हमें टीम ज्वाइनिंग आनी चाहिए उधर से, गुरु का मतलब हमारे को सपोर्ट होना चाहिए, अरे गुरु का मतलब आते रहना चाहिए, तभी तो गुरु, ऐसा कैसा गुरु, ऐसा थोड़ी होता है गुरु, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से कुछ नहीं होता। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे ना भगवान कृष्ण के पास, तो पहले तो दुर्योधन को मौका मिला था कि मांगो भाई क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था, हमारी तुम्हारी पूरी सेना दे दो, करनी सेना दे दो। श्री कृष्ण ने ऑप्शन दिया था कि भाई दो चीजें, या तो मेरे से मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। दुर्योधन ने बोला सेना दे दो, तुमको अकेले को लेके क्या करेंगे है? अर्जुन समझदार थे, अर्जुन जानते थे, अर्जुन की चेतना बहुत हाईएस्ट लेवल पर थी, अर्जुन को पता था गुरु का साथ सही है और कुछ नहीं। नतमस्तक होकर मांग लिया, बस सेना तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, चाहिए तो बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद हुआ क्या भाई साहब, इतने पावरफुल पावरफुल लोग, आप सबने महाभारत देखी होगी भाई, औकात थी क्या पांडवों की जीत जाते कौरवों से, औकात थी, एक भी दिन टिक जाते भाई साहब, एक उधर कर्ण ही काफी था इनका भंडारधार करने के लिए, एक से एक भाई ऐसे ऐसे खिलाड़ी उधर, लेकिन फिर भी चू से चा नहीं बोल पाए। बाद में वो बर्बरीक ने बताया, बर्बरीक के बारे में जानते हो, जिसका ऐसा काट करके टांग दिया था, वो सारा महाभारत देख रहा था, उससे लास्ट में पूछा गया भाई क्या देखे, तब बताया कि सारा युद्ध तो ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीते तुम लोग, तुम्हारे तो बस में कुछ नहीं था, सुदर्शन चक्र घूम रहा था पूरे युद्ध में। कि मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं, ये जो गुरु की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो जो सुदर्शन चक्र होता है, गुरु की ब्लेसिंग्स वो सुदर्शन चक्र की तरह आपकी जिंदगी में आपको हर परेशानी से बचाती है, और जहां पर विजय फतेह करने की बारी आती है, वो सुदर्शन चक्र दुश्मनों को काट कर भेदता हुआ बुरी परिस्थिति को हटा कर आपको विजय कराता है। ये ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती है, ब्लेसिंग से ज्यादा पावरफुल कुछ हो भी सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर 1,000-2,000 रुपए किसी ने दे दिए, खत्म कर डालोगे दो गो पिज्जा खा करके। आपको अगर 2-4 ज्वाइनिंग किसी ने दे दिया, 2-4 अच्छा टीम दे दिया, बंदे दे दिए, आपको उनको संभालना नहीं आता, 2 महीने बाद वो निकल जाएंगे आपके हाथ से, क्या करोगे फिर? लेकिन अगर गुरु का साथ, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु ने ज्ञान भर दिया आपके अंदर, अंदर से मजबूत कर दिया, फिर तो मजा आ ले, कोई जिंदगी में कोई खड़ा रह ले आपके सामने, उड़ा दोगे धुआं। कोच BKS जी बोल रहे हैं गुरु गलत हो सकता है क्या सर? सर अगर आप उसको गुरु कह रहे हो ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत भी है तो आपको उसको सही मानना है। अगर आपने उनको गुरु मान लिया एक बार, आप शंका नहीं कर सकते। ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कोच BKS जी, या तो गुरु मानो मत, लेकिन अगर मान लिया उस पर शंका नहीं कर सकते। आप सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट्स रख सकते हो, जैसे अर्जुन ने अपने डाउट्स रखे थे कि भैया ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मैं मार दूं। तब श्री कृष्ण उनको सिखाया था भैया ये कारण है, तुम अपने भाइयों से नहीं लड़ रहे हो, तुम अधर्म से लड़ रहे हो, तुम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हो, सत्ता नहीं जीतोगे, तुम बेसिकली अधर्म को मात दिलाओगे, धर्म की जीत कराओगे। अपने डाउट्स रखने लाजमी है, लेकिन शंका नहीं कर सकते उसकी पावर पर, उसकी ताकत पर। नहीं गुरु गलत, सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है, नहीं नहीं गुरु में बदल दूंगा, अगले महीने से मेरा गुरु चेंज, 1 तारीख से मैं नया गुरु अपने लिए ज्वाइन करा रहा हूं। उस वो गुरु बढ़िया है, बढ़िया कपड़ा पहनता है, फेशियल फेयर एंड हैंडसम भी लगाता है, बेल्ट वेल बहुत बढ़िया है, गाड़ी बहुत, वही गुरु बन सकता है। निकम्मो, ऐसा नहीं होता है।
देखो कड़वे शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं लेकिन जगाने के लिए करता हूं। दवाई मीठी होगी तो असर नहीं करेगी, दवाई कड़वी होती है तो नीम ही असर करता है, समझे। तो मैं कड़वाहट भरा, अगर गुरु कहो या प्लेन कहो या बड़ा भाई कहो या जो भी कहो, सर मैं कड़वा आदमी हूं और मुझे अगर गले लगाओगे, मेरी कड़वाहट को गले से लगाओगे तो जीत जाओगे, मेरी कड़वाहट को अगर दिमाग में बिठाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसमें आपका भला निहित है, मेरा पर्सनल फायदा तो है कुछ नहीं। मैंने आपको निकम्मा बोल करके बहुत सुख में चला गया, अरे 2-3 करोड़ रुपए आ गए, अरे निकम्मा बोला और 2-3 करोड़ रुपए आ गए, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो मैं दिन भर रात चलते सबको निकम्मा निकम्मा बोलता रहूं, अगर पैसा आता है तो ऐसा होने नहीं वाला, समझे ना।